वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं टेंथ साइंस सीबीएसई सिंपल एंड इजी मेथड में मैंने चैप्टर नंबर लाइफ स्टार्ट कर दिया है इसका जो फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इसकी मेथड हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स इसके पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो चलिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग तो हम यहाँ देखते हैं आप देखिए पहले आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स जैसे मैंने आपको पहले बोला था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स के हम जो आते हैं वो हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं Human beings के 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 अंदर अंदर कौन सा होता होता है? Heterotrophic. अब heterotrophic के सब के होता है अब जो थे, उसमें आपने लास्ट पार्ट में सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म अमीबा पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है एक बार हम फिर से क्विकली देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल फूड के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इससे एनर्जी रिलीज होती है जो हमें बाकी एक्टिविटीज में काम आती है अब ये जो होलोसोइक न्यूट्रिशन हम जो ह्यूमन बींगस का पढ़ रहे हैं ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है क्योंकि हम सब जानते हैं ह्यूमन बींग में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अमीबा में आपने देखा था कोई ऐसे वेल डेवलप्ड वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम तो होता नहीं है तो बच्चों ह्यूमन बींग में आपने ध्यान रखना है कि वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपको याद है आपने नाइन्थ में पढ़ा था सेल और आपको सबको याद है उसमें डिविजन ऑफ लेबर पढ़ा था सेल जब सिमिलर टाइप की सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बनाती है सिमिलर टाइप के टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं और सिमिलर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा जो डिवीजन ऑफ लेबर आपने पढ़ा है उसका एक ऑर्गन सिस्टम है तो ह्यूमन के अंदर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो डाइजेस्ट डाइजेशन की प्रोसेस होती है आपको मैंने पहले भी बताया था ये कैटाबोलिक प्रोसेस होती है यानी हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर जो मेटाबोलिक एक्टिविटीज होती हैं, आपको याद होगा ये दो टाइप की होती है एक तो होती है कैटाबोलिक दूसरी होती है अनाबोलिक आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है जहां पर फूड सिंथेसिस होता है लेकिन जो डाइजेशन है या रेस्पिरेशन है ये कैटाबोलिक प्रोसेस है जहां पर फूड का ब्रेक डाउन होता है तो ये जो डाइजेशन है वो बच्चों कैसे है वो कैटाबोलिक प्रोसेस है यहाँ पर जो फूड है कॉम्प्लेक्स फूड है इसका ब्रेकडाउन होके ये सिंपल सब्सटेंस के अंदर सिल्यूबल फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है अब हम थोड़ा सा डिटेल में आपको डायग्राम पहले देखना बहुत जरूरी है डायग्राम समझना बहुत जरूरी है एग्जाम में डायग्राम भी आता है तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको इसके अंदर जो मेन पार्ट्स आते हैं हम इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन का जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो पार्ट से बना होता है एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं? जैसे हम स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है जो डाइजेस्टिव सीक्रेट करती है इसके अलावा आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड पढ़ना है यहाँ पर एक है लिवर जो बाइल जूस सीक्रेट करती है और पेनक्रिया जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है तो ये सारे एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ये मिलके हमारा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम तो पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए और डायग्राम के अंदर आप देखिए हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से तो फर्स्ट हमारा पार्ट आ गया माउथ जिसे हम माउथ या बकल कैविटी कहते हैं सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं ईसोफेगस आप जो जिसे हम फूड पाइप कहते हैं जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं ईसोफेगस से थर्ड पार्ट जो जाता है फूड वो जाता है स्टमक में आपको जो जे शेप ऑर्गन दिख रहा है उसे हम कहते हैं स्टमक स्टमक के बाद हमारी आती है कॉइल ट्यूब आपको जो यहाँ पर कॉइल ट्यूब दिख रही है इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्ट पार्ट आता है हमारा रेक्टम इसके अलावा आपको डायग्राम में दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी दिख रही है फर्स्ट है हमारा लिवर जो बहुत लार्जेस्ट ग्लैंड है और दूसरा है हमारा पैंक्रियास जो आपको दिख रहा है स्टमक के नीचे ये दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है मैंने आपको जैसे बोला एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बनता है एलिमेंट्री केनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं माउथ स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ही लास्ट पार्ट होता है रेक्टम इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है सलाइवरी ग्लैंड होंगी इंटेस्टाइनल ग्लान्स होंगी लिवर और दूसरा है पैंक्रियास तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं जैसे आप देख रहे हैं ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है ये नाइन मीटर लॉन्ग होती है ये जो है ये स्ट्रेट नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट नहीं होती ये कॉयल ट्यूब के फॉर्म में होती है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं अब इसका फर्स्ट पार्ट आज हम देखेंगे पहले जिसे हम कहते हैं माउथ या बकल कैविटी जो माउथ या बकल कैविटी है आपको याद होगा मैंने हमने फाइव स्टेप्स की थी होलोजोइक न्यूट्रिशन की तो जो फर्स्ट स्टेप है यानी फूड का इंटेक जहां से हम फूड लेते हैं ये जो फूड लेते हैं ये हमारी प्रोसेस होती है माउथ यानी बकल कैविटी से अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है आप देख रहे हो जैसे माउथ या जैसे हम कहते हैं बकल कैविटी आपको याद है मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन की फाइव स्टेप्स बताई थी तो जो हम फूड जहां से लेते हैं फूड इनटेक करते हैं वो फर्स्ट पार्ट होता है माउथ जहां से हमारी प्रोसेस होती है तो ये फर्स्ट हमारी स्टेप होगी जो हमारा आप डायग्राम में देख रहे हो माउथ या बकल कैविटी हम इसको डिटेल में देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप जैसे देखते हैं कि माउथ दो स्लिट्स होती है जहां से ओपन होता है जैसे हम लिप्स कहते हैं जो मूवेबल होते हैं इसके बाद अंदर एक हॉलो कैविटी होती है जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं और इसके अंदर हमारे एडल्ट ह्यूमन के अंदर थर्टी टू टीथ होते हैं इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है टीथ में इस आ, लास्ट में इसको कवर करूंगी लेकिन जो टीथ होते हैं वो फिजिकल डाइजेशन का काम करते हैं जो हम फूड बिगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेते हैं बिगर पार्टिकल्स लेते हैं तो जो फूड है ये जो टीथ है ये उसको ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग का काम करते हैं और इसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं तो यहां पर टीथ ने फिजिकल का डाइजेशन का काम कर दिया अब हम बात करेंगे टंग की हम सब जानते हैं कि टंग बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बट होती है लेकिन यहाँ पर टंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन में जो हम फूड लेते हैं उसको मिक्सिंग एंड रोलिंग करके अंदर डालने का काम टंग करता है तो ये टंग के बाद हम देखते हैं हमारी बकल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये एक एंजाइम जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ये सीक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेट एग्जाम में वन मार्क में ये क्वेश्चन आता है सलाइवरी अमाइलेस ये कौन सीक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है अब सलाइवरी ग्लैंड इसका क्या काम होता है सलाइवरी अमाइलेस का हम सब जानते हैं हम जो फूड लेते हैं वो मैक्सिमम हमारा फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम जो फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ज्यादा लेते हैं अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली ये पॉलीसेकेराइड होता है आप जब ट्वेल्थ में जाएंगे तो आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो माउथ के अंदर ही एक्चुअली पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर जो फूड है यहाँ प्रोटीन विटामिन सब होता है लेकिन माउथ के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट होता है बाकी हम जो प्रोटीन्स हैं और बाकी फैट्स हैं वो डाइजेशन स्टमक के बाद या स्टमक में होता है तो आप बहुत ध्यान से सुनिए कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसेकेराइड है इनका पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये डाइजेशन में कौन हेल्प करता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस और ये इसको शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है शुगर भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ही है शुगर शुगर जो है वो डाइसेकेराइड है लेकिन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स से दूसरा थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है तो यहां पर पार्शियल डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो गया अब ये जो माउथ है माउथ के अंदर जो फूड का च्यूइंग और ग्राइंडिंग सब कुछ हो गया एंड पार्शियल डाइजेशन कार्बो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो गया और बाकी जो है प्रोटीन वगैरह वो वैसे ही रहते हैं इस फूड को अब हम कहते हैं बोलस अब हमारा जो ये फूड है इसको हम कहते हैं बोलस अब ये जो फूड है आप जो जैसे डाइग्राम में देख रहे हो इसके बाद जो फूड है वो हमें फूड पाइप आपको नजर आ रहा है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं अब ये फूड कहाँ पुश कर देता है कर देता है इसोफेगस में अब ये जो इसोफेगस है ये एक फूड पाइप पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये इसोफेगस ही डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंगल ऐसा पार्ट होता है जहां पर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती माउथ so से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया तो फूड पाइप के अंदर रिलैक्सेशन होता. होता है और इस जो रिदमिक मोशन है इसको हम कहते हैं पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट ये एग्जाम में आता है पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट जो है फूड को आगे पुश करने में हेल्प करती है तो यहां से फूड पाइप से पूरा नीचे स्टमक की ओर आ गया अब ये जो बोलस है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जहां कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया है ये बोलस कहां पर आता है स्टमक में आप डायग्राम में देखिए स्टमक जो है एक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है ये हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पर जो हम फूड लेते हैं वो थ्री आवर्स तक स्टे करता है हमारा जो फूड है वो तीन घंटे तक थ्री आवर्स तक स्टमक में रहता है ये जो सम, जैसे ही फूड एंटर करता है स्टमक में स्टमक एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि तो स्टमक के अंदर स्टमक की जो आ, के अंदर जो कंटिन्यूसली रिदमिक जो मसल्स हैं उसमें रिदमिक मूवमेंट होती रहती है जिसे हम पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट कहते हैं तो ये जो है आ, स्टमक की मसल्स एक्सपैंड हो गई और जो है, है, जो food है, वो स्टमक में आ गया यहाँ तक फूड रहता है अब पर पर बहुत होता होता है है के अंदर हमारा का। होती जो स्टमक के वॉल में फोर ग्लैंड होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये एग्जाम में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन में आते हैं लॉन्ग आंसर्स में भी आते हैं शॉर्ट आंसर्स में भी आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टमक में जो फोर इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है फर्स्ट ग्लैंड जो फर्स्ट ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत डाइल्यूट एच सी एल स्टमक की वॉल से सीक्रेट होता है जो फर्स्ट ग्लैंड सीक्रेट करती है डाइल्यूट एच सी एल डायल्यूट एच सी एल का दो इंपॉर्टेंट रोल होता है सबसे पहले तो हमारे जो फूड आता है उसके अंदर यदि कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो ये एसिड होता है तो एसिड बैक्टीरिया को किल कर देते हैं लेकिन इसका सबसे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीजन होता है कि ये फूड को एसिडिक बना देता है जब ये बोलस जब फूड इसके अंदर आता है जैसे ही फूड आता है एक्सपैंड स्टमक जो है आपने जैसे देखा एक्सपैंड हो जाता है बोलस अंदर आ जाता है और इमीडिएटली इसमें से हमारी फर्स्ट ग्लैंड से डाइल्यूट एच सी सीक्रेट होने लगता है और जो फूड है जो बोलस है उसमें मिक्स हो जाता है और हमारा जो फूड है उसका मीडियम एसिडिक हो जाता है तो ये डाइल्यूट एच जो फर्स्ट ग्लैंड से सीक्रेट हुआ है इसके दो फंक्शन होते हैं बैक्टीरिया को किल करता है और मीडियम को ये जो फूड है उसके मीडियम को ये एसिडिक बना देता है यहां तक आपको क्लियर हो गया है क्यों बनाता है ये मैं इसको आपको बाद में बताऊंगी। अब सेकेंड ग्लैंड की बात करते हैं। ग्लैंड हमारी सीक्रेट करती है म्यूकस आप सब जानते हैं म्यूकस का नेचर बेसिक होता है ये स्टमक की वॉल में ही सीक्रेट होता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो डाइल्यूट एफ होता है वो एसिड है तो वो स्टमक की वॉल को करोट कर सकता है सो तो करोजन से प्रिवेंट करने के लिए जैसे ही डायल्यूट एच सीक्रेट होता है वो तो फूड को एसिडिक बना देता है लेकिन वो स्टमक की वॉल को करोट ना करे इसलिए इमीडिएटली उसमें से म्यूकस सेकेंड ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट करने लगती है जिसका नेचर बेसिक होता है तो वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वॉल को प्रिवेंट कर लेता है वॉल को प्रोटेक्ट कर लेता है तो आपको ये दोनों का रोल समझ में आ गया है जो बैक ये जो है डाइल्यूट एच इसके दो फंक्शन होते हैं जो फर्स्ट ग्लैंड एच सीक्रेट करती है बैक्टीरिया को किल करती है और मीडियम को एसफूड को एसिडिक बनाती है म्यूकस जो है वॉल के अंदर बेसिक ये म्यूकस सीक्रेट होता है जिसका नेचर बेसिक होता है ये वॉल को प्रिवेंट करता है करोट होने से अब हम थर्ड देखते हैं जो थर्ड ग्लैंड होती है ये सीक्रेट करती है पेप्सिन एंजाइम अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका काम ये जो थर्ड ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है पेप्सिन एंजाइम और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये खाली काम वर्क करता है ओनली इन एसिडिक मीडियम इसका क्या रोल होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है ये न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में वर्क नहीं करता तो इसको एसिडिक मीडियम बनाने का काम किसने किया एच ने अब आपको समझ में हो आ गया होगा कि डायल्यूट HCL क्यों समक से सीक्रेट होता है अब ये जो पेप्सिन एंजाइम जो सीक्रेट होता है जो सिर्फ एसिडिक uh, मीडियम में वर्क करता है इसका क्या रोल होता है ये जो हम फूड के अंदर प्रोटीन लेते हैं हम जो प्रोटीन प्रोटीन लेते हैं ये मॉलिक्यूल का पार्शियल डाइजेशन करके इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन में यहाँ पर प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे कि आपने देखा था माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो गया यहां पर प्रोटीन का ये जो स्टमक के अंदर प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन जो प्रोटीन ये जो है पेप्सिन एंजाइम ये करता है प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और ये क्या करता है प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ पर प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया अब जो एक और ग्लैंड होती है फोर्थ ग्लैंड जो रनिंग सीक्रेट करती है और ये बेसिकली मिल्क कॉगुलेशन में हेल्प करता है तो आपको ये स्टमक का मेन इंपॉर्टेंट रोल समझ में आ गया होगा और यहाँ पर हमारा फूड थ्री आवर्स टे करता है अब जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारा जो फूड जो है स्टमक से जो है फूड है अब हम जो स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड जहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हो गया आप देखते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है यहां पर जब फूड आता है तो उसे हम कहते हैं काइम इसको मैं आगे कवर करूंगी इंटेस्टाइन पढ़ने के पहले स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ने के पहले हम दो स्पेशल ग्लैंड पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड आप डायग्राम में देख रहे हैं आपको नजर आ रही है एक तो लिवर है और दूसरा है स्टमक के ठीक नीचे है पैंक्रियास पहले हम इन दो ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो डाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पहले तो है हमारी लिवर लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन के अंदर लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्क बता रही हूँ जो लिवर होती है ये दोनों का काम करती है यानी ये एक्जोक्राइन ग्लैंड भी है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है एंडोक्राइन ग्लैंड आपको जब मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊँगी तब आप डिटेल में इसको समझोगे ये एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये इंसुलिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट करती है लेकिन अभी हम यहाँ फोकस करेंगे हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर फर्क होता है दोनों में एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट डक्ट विद होती है तो अभी हम हमारा फोकस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर तो यहाँ पर जो लिवर है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप के फॉर्म में काम कर रही है आप देख रहे हो इसके सीधे डक्ट ओपन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में तो ये जो लिवर होता है ये एक्चुअली येलो कलर का बाइल जूस बनाता है लिवर के अंदर जो है बाइल जूस येलो कलर का लिक्विड बनता है जिसका नेचर होता है बेसिक नेचर इसका बेसिक नेचर इसलिए होता है इसमें जो है बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं आप सब जानते हो बाइकार्बोनेट आयंस बेसिक होते हैं नेचर में तो इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है तो ये जो बाइल जूस है जो येलो कलर का लिक्विड है इसका नेचर होता है बेसिक ये एक्चुअली लिवर में बनता है लेकिन लिवर के नीचे आप जो गॉल ब्लैडर है वहां पर ये स्टोर हो जाता है अब ये जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल जूस का फर्स्ट रोल है ये जो फूड है आप जो मैंने आपको बोला था बोले को अब हम काइम कहेंगे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो आप सब जानते हैं स्टमक के अंदर मीडियम एसिडिक होता है जो हमारा फूड है वो एसिडिक मीडियम से आया लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये जो बाइल जूस है जिसका नेचर बेसिक होता है ये इमीडिएटली सीक्रेट uh, होने लगता है और ये फूड को बना देता है बेसिक इसका भी रीजन है वो मैं आपको आ, आगे बताऊंगी तो सबसे फर्स्ट हो जा काम है इसका ये जो बाइल जूस है ये मीडियम को बेसिक बना देता है और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इमेंसीफिकेशन ऑफ फैट्स आपने अभी तक तो देखा कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हो गया प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया लेकिन जो फैट्स हैं लिपिड्स एंड फैट्स हैं उनका डाइजेशन स्मॉल अमाउंट के अंदर लिवर में होता है लिवर क्या करता है फैट्स जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेल्यूबल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है तो जो फैट्स का फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स इनसेल्यूबल फैट्स मॉलिक्यूल का फैटी एसिड में सेल्यूबल सिंपल फैटी एसिड में डाउन होने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स तो यहाँ पर बाइल जूस का दो फंक्शन हो गया उसने मीडियम को बेसिक बना दिया एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कर दिया तो ये जो है लिवर का मैंने आपको इम्पोर्टेंट रोल बना बता दिया अब दूसरी ग्लैंड आप स्टमक के नीचे देख रहे हैं पैंक्रियास होती है दूसरी ग्लैंड ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे होती है और ये पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करती है अब ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस में थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंप्लीट डाइजेशन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ अभी तक तो आपने पार्शियल डाइजेशन देखा अब ये क्या होता है ये जो सीक्रेशन हुआ है पैनक्रियाटिक जूसेस का इसमें थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं फर्स्ट एंजाइम होता है अमाइलेस आपको याद होगा सलाइवरी अमाइलेस जो हमारा बकल कैविटी में प्रेजेंट होता था सलाइवरी ग्लैंड उसको सीक्रेट करती थी इसलिए मैंने उसको सलाइवरी अमाइलेस कहा तो ये जो अमाइलेस एंजाइम है जिसने कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर दिया था वो तो पार्शियल डाइजेशन था अब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया जो शुगर था जो शुगर भी कॉम्प्लेक्स डायसेकेराइड था इसने इसको शुगर को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज सेल्यूबल सिंपल मोनोसिकराइट शुगर होती है जो सेल्यूबल होती है ब्लड में तो ये जो शुगर से कहा किस में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर तो आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो पैंक्रियास ने जो पैंक्रियाटिक पैंक्रिया से जो एमाइलेस एंजाइम सीक्रेट हुआ है उसने कंप्लीट डाइजेशन कर दिया शुगर का इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया दूसरा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन

लेकिन जो फूड आया वो तो एसिडिक था तो आपको पता है कि बाइल जूस ने फूड फूड को कैसे बना दिया? बना दिया दिया बेसिक बेसिक तो तो अब ये जब हमारा बन गया उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और ये प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में प्रोटीन फाइनली कन्वर्ट हो गए एमिनो एसिड्स में अब थर्ड जो एंजाइम है वो होता है लाइपेस थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स लिवर में हो गया पर लिवर में कंप्लीट नहीं होता जो बचा हुआ जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फैट्स मॉलिक्यूल्स हैं सल्यूबल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर पैंक्रिया जूस की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया जिसे हमने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहांक्रिया से ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर से बाइल जूस सीक्रेट हुआ बाइल जूस गॉल ब्लडर में स्टोर हुआ इसके दो फंक्शन थे ये मीडियम को बेसिक बनाता है एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है फिर जो इस स्टमक के नीचे दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैंक्रियास पैंक्रियास जो है वो थ्री थ्री टाइप के एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।, जो प्रोटीन का डाइजेशन होके, है तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड समझ में आ गई है इसके अलावा और भी जो ग्लैंड थी मैंने सिलाइबरी ग्लैंड आपको बता दी है और इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड आएगी वो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगी अब आपको ग्लैंस समझ में आ गई है अब हम देखते हैं कि जो स्टमक से जो फूड था जिसे हमने बोलस कहा था जो एसिडिक मीडियम में था वो अब हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आप हमने देखा था ये पार्शियली डाइजेस्ट हो गया माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ स्टमक के स्टमक के अंदर प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि कैसा है एसिडिक है फूड उसका मीडियम एसिडिक है अब हम इस फूड को कहेंगे काइन पहले हमने उसको बोलस कहा था जब वो माउथ से स्टमक में आया था अब हम इसको कहेंगे पता इसोफेगस से स्टमक में आया था अब हम इसको कहेंगे काइम आप इंटेस्टाइन देख रहे हो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स के अंदर भी यहां मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं ये 6.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है देखिए पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर है और मीटर मीटर में तो स्मॉल होती है, लेकिन आप जैसे डायग्राम में देख रहे नैरो लॉन्गेस्ट हो पार्ट होता है एलिमेंट्री के अंदर अब इसके अंदर जो मसल्स होती है वो स्विंसटर मसल्स होती है जहां पर मूवमेंट होती रहती है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वेरी करती है अलग अलग एनिमल्स के अंदर मैं ह्यूमन एडेंट की बात की है मैंने जहां पर 6.5 मीटर लॉन्ग ह्यूमन के अंदर होती है लेकिन डिफरेंट एनिमल्स में इसकी लेंथ अलग होती है जैसे मैंने आपको बोला ये फूड हैबिट के ऊपर डिपेंड करती है जो हर्बीवोर्स होते हैं हम सब जानते हैं कि हर्बीवोर्स प्लांट एंड ग्रास ईटर्स होते हैं और उसके अंदर सेल्यूलोर्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है सेल्यूलोर्स डाइजेस्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है तो जितने हर्बीवोर्स होते हैं जैसे काऊ है गोट है उनकी जो है उनमें स्मॉल uh, इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं कार्निवोर्स के अंदर ये मीट ईटर होते हैं मीट को डाइजेस्ट करना सबसे इजी होता है तो उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत शॉर्ट होती है तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब ये जो इंटेस्टाइन की वॉल से इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट होते हैं और ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का, का काम करते हैं और ये इसको इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आप जैसे इंटेस्टाइन की वॉल में देख रहे हैं यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम कहते -like हैं विलाय और ये जो विलाय होते हैं ये सरफेस एरिया का एब्जॉर्पन होता है क्योंकि यहां पर आप जेजुनम इलियम हमें आगे आपको बताऊंगी डिटेल में यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का तो ये जो ये जो हमारी विलाय है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करके क्योंकि इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है और ब्लड को एब्सॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं तो ये जो विलाय है ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं अपर पार्ट को हम कहते हैं डिओडिनम ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन होती है यहां पर डाइजेशन क्योंकि आप देख रहे हो अभी तक जो फूड आया है ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है लेकिन यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम पार्ट है यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का तो हम इसको कह सकते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन अब हम पहले डिओडिनम को डिटेल में देख लेते हैं हम सबको पता है कि जो मैंने अभी आपको ग्लैंड बताई थी लिवर एंड पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनकी जो डक्ट्स है डायरेक्ट जो है अपर पार्ट डियोडिनम में ओपन होती है हम सबको पता है कि लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये फूड अब हम बोलेस को कायम कहेंगे फूड जो आता है वो एसिडिक मीडियम में होता है लेकिन जैसे ही बाइल जूस फूड के अंदर मिक्स हो गया तो ये फूड बन जाता है बेसिक जिसे हम कहते हैं काइम तो ये जो फूड को है एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है तो हमारा जो बाइल जूस जो लिवर से सीक्रेट हुआ है इसने फूड को कैसे कर दिया बेसिक में में कन्वर्ट कर दिया इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पेनक्रियाटिक ड्रिया से जो डक्ट आती है पेनक्रिया से जो जूस सीक्रेट होता है उसमें थ्री टाइप के एंजाइम्स होते हैं मैं आपको अभी पढ़ा दिया है मैंने तो डिओडिनम में क्या होता है जो पहला एंजाइम है अमाइलेस वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड दा, शुगर थी उसे कंप्लीटली ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन जो है सेकंड जो है एंजाइम ट्रिप्सिन सिक्रिएट होता है और ट्रिप्सिन हमेशा बेसिक मीडियम में काम करता है तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है जो पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया था इसका कंप्लीट डाइजेशन करके इसको एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और लास्ट में जो लाइपेज है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब फैट्स मॉलिक्यूल को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है तो आपने देखा कि जो डिओडिनम पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का अब आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट होता है जेजोनम मैंने जैसे आपको पहले बताया तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को डिओडिनम कहते हैं मिडिल पार्ट को जेजुनम कहते हैं और लास्ट एंड पार्ट को इलियम कहते हैं अब ये जेजुनम एंड इलियम जो पार्ट है जो बीच वाले पार्ट है और एंड पार्ट है यहाँ पर ये है साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्बन यानी देखिए इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है है। है, है, तो अब जब में में जाता है, में जाता है, जहां मैंने आपको बोला था विलाय होते हैं। तो ये ये जो है, है, है। होता होता पर का आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये इलियम ये जो जेजुनम पार्ट है वो हमेशा एम्प्टी हो जाता है उसमें कभी भी फूड नहीं रहता तो ये जो आप देखते हैं जेजुनम में ये शॉर्ट पार्ट होता है यहां पर फूड का एब्जॉर्ब हो गया और थोड़ा बहुत फूड रहता है तो एंड पार्ट जो है इलियम पूरा पूरा का फूड पूरा एब्जॉर्ब हो गया विलाई के थ्रू जहां ब्लड कैपिलरीज है ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लड से पूरे सेल तक पहुंच गया यानी आपने देखा कि जो इंटेस्टाइन है ये कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड कंप्लीट साइट ऑफ एब्जॉर्ब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाएगा और एब्सॉर्प्शन भी हो जाएगा अब हम लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया पहले मैंने जैसे आपको बोला कंप्लीट डाइजेशन फिर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड ने पूरा सेल तक पहुंचा दिया लेकिन अब आप देखते हो कि इसमें अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है इस अनडाइजेस्टेड फूड को भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है तो ये काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली वाइडर पार्ट होता है हम इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग तो होती है बट ये बहुत नैरोस्टाइन वाइडर होती है ये meter, human के अंदर, इतनी वाइड होती है ब्रॉड होती है ये जो है यहां पर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ये अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया लार्ज इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट होते हैं आप जैसे देख रहे हो फर्स्ट पार्ट होता है कॉलोन कोलोन ये यूशेप्ड का होता है और यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत लिक्विड आता है लिक्विड यदि अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर बचा है तो कोलोन के अंदर उसका रीअबॉर्बेशन हो जाता है और इसके बाद आता है सीकम सीकम एक्चुअली वेस्टिजियल पार्ट है इसका कोई यूज नहीं होता आपने अपेंडिक्स नाम सुना है ये यही होता है जो आज का अच्छा, अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है इसका कोई रोल नहीं है लास्ट पार्ट इसका एंड पार्ट आ जाता है रेक्टम से फूड फूड बाहर निकल आ जा निकल जाता है तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन हो गया तो जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा हम एक बार क्विकली स्टेप्स देख लेते हैं इंजेक्शन हुआ इंजेक्शन किसने किया माउथ ने उसके बाद डाइजेशन हुआ डाइजेशन पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हुआ बाद में कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ इसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दोनों पार्ट है जेजुनम एंड इलियम यहाँ पर कंप्लीट एब्जॉर्बन हो गया इसके बाद ब्लड ने कैरी किया सेल तक पहुंचाया जो ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ यानी एसिमिलेशन हो गया और लास्ट जो इजेशन है जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम ने से इजेक्ट बाहर एलिमिनेट कर दिया हो तो ये आपको आपको हो क्लियर होगा अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं डेंटल केयर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारा जो इंजेशन है वो माउथ uh, से स्टार्ट होता है जहां पर फिजिकल डाइजेशन का काम टीथ करते हैं ह्यूमन के अंदर थर्टी टू टीथ होते हैं और ये जो टीथ के है थ्री पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट होता है जो बाहर सबसे अपर पार्ट जो सबसे हार्डर कोटिंग होता है हार्डेस्ट कोटिंग होता है इनफैक्ट ये जो रहता है टूथ एनामेल ये जो है ये सबसे बाहर वाला अपर पार्ट होता है इसके बाद डेंटाइन इसके बीच का पार्ट होता है जो बोन की तरह होता है और लास्ट में पल्प कैविटी जो बीच में हॉलो कैविटी होती है उसे पल्प कैविटी कहते हैं जिसमें नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है हम सब जानते हैं कि टूथ की हमें बहुत केयर लेनी चाहिए आ, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम के अंदर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये जो पल्स कैविटी है इसके इसके अंदर इसे पूरा इफ़ेक्ट करके हमारी आ, कैविटीज बन जाती है तो ये हमें इसके लिए केयर करना चाहिए ब्रश करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पेस्ट के अंदर जो टूथपेस्ट होती है उसमें बेसिक मीडियम होता है तो एसिड एंड बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर देता है अब हम टाइप्स ऑफ टीथ जो थर्टी टू टीथ होते हैं इनमें सबसे फर्स्ट टीथ होता है इंसीजर्स जो हमारे सामने के जो फोर टीथ है अपर टू एंड नीचे के टू इनको इंसीजर्स कहते हैं सेकेंड हमारे के होते हैं जो फोर शार्प टीथ होते हैं इसके बाद एट हमारे होते हैं मोलार और लास्ट के हमारे होते हैं मोलार और ऐसे करके ये हमारे थर्टी टू टीथ होते हैं तो आपको ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा एंड में मैंने नोट शेयर की है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्विकली आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए